अगर सुशील आपकी बातों को नहीं मानेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा आगे? अगर सुशील हम लोग का बातों को नहीं मानती है तो फिर धरना प्रदर्शन आगे बढ़ाया जाएगा, जिला में, इसके बाद रांची में। अगर सुशील आपका नहीं माने, नहीं बात मानता है तो आप इसे आपका रांची जाइए, रांची ना जाए फिर कहाँ जाइएगा उसके बाद? उसके बाद हम लोग के टाइगर दादा जयराम महतो है ना, बस उन्हें के आंदोलन के आगे ही हम लोग बढ़ेंगे, उन्हें के सोच विचारों से ही आगे बढ़ेंगे। उन्हें के माध्यम से कोच कीजिएगा आगे ना रणनीति को? हाँ, रणनीति को हम लोग उन्हीं के माध्यम से ही आगे बढ़ाएंगे। तो अभी क्या मांग है आप लोगों से सुशील प्रबंधक से? हम लोग का मांग है सुशील प्रबंधक से कि नौकरी दिया जाए और मुआवजा भी दिया जाए और जहाँ खदान हुआ है वहाँ समतलीकरण कर दिया जाए ताकि खेती गृहस्थी कर सके। अभी तो मिला है मुआवजा, नहीं मिला है मुआवजा? मुआवजा तो अभी नहीं मिला है, बिना अधिग्रहण किए हुए 680 एकड़ में कोयला निकाल रहे थे, वो वाला मुआवजा नहीं मिला है, नौकरी भी नहीं मिला है। तो अभी क्या? जोहार मांडू, अभी हम लोग सेंट्रल कोल फील्ड में कुछ आए हुए हैं एक दिवसीय धरना में, और इस धरना में हम लोग हमारा एक मांझी भाई हमारे साथ में आए हुए, उनसे हम परिचय लेना चाहते हैं, इस किस लिए यहाँ पे आए एक दिवसीय धरना में? जोहारदा जोहार मांडू, आप यहाँ आज एक दिवसीय धरना में आए, कहाँ आए हैं? हम लोग यहाँ आए हैं एक दिवसीय धरना में, जैसे जमीन का मुद्दा है, बिना अधिग्रहण किए हुए 680 एकड़ कहीं ना कहीं खुद जो सुशील जीएम बिना अधिग्रहण किए हुए कोयला खनन निकाल रहे थे, तो वो मतलब वहाँ के आदमी को सारू बेड़ा आरा वहाँ के आदमी को बुड़बक बना रहे थे। तो आज के डेट में किसी भी गांव में किसी भी इंसान को कहीं ना कहीं जागरूक हो चुके हैं, तो आज के डेट में किसी को बुड़बक नहीं बना सकते हैं। हम सोचते हैं अगर आप अधिग्रहण करके कोयला निकालते हैं तो वहाँ समतलीकरण कीजिए, वहाँ के ग्राम विस्थापन नीति की जो भी अंतर्गत में आता हो सारा नियम कानून पूरा किया जाए। हाँ, जो विस्थापित है वो सब, जो नियम है जो लागू है वो सब पूरा किया जाए, विस्थापित लोगों को अगला जगह देना चाहिए जगह, ताकि वो लोग घर में घर बना सके। और कुछ भी बहुत समस्या होती है, बिजली का, बिजली हो गया, पानी हो गया, वो सब भी सुविधा है, नौकरी हो गया, मुआवजा हो गया, मुआवजा देना चाहिए, नौकरी भी देना अभी चाहिए। मिला है मुआवजा, नहीं मिला है मुआवजा? मुआवजा तो अभी नहीं मिला है, बिना अधिग्रहण किए हुए 680 एकड़ में कोयला निकाल रहे थे, वो वाला मुआवजा नहीं मिला है, नौकरी भी नहीं मिला है। तो अभी क्या मांग है आप लोगों से सुशील प्रबंधक से? हम लोग का मांग है सुशील प्रबंधक से कि नौकरी दिया जाए और मुआवजा भी दिया जाए और जहाँ खदान हुआ है वहाँ समतलीकरण कर दिया जाए ताकि खेती गृहस्थी कर सके। अगर सुशील आपकी बातों को नहीं मानेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा आगे? अगर सुशील हम लोग का बातों को नहीं मानती है तो फिर धरना प्रदर्शन आगे बढ़ाया जाएगा, जिला में, इसके बाद रांची में। अगर सुशील आपका नहीं माने, नहीं बात मानता है तो आप इसे आपका रांची जाइए, रांची ना जाए फिर कहाँ जाइएगा उसके बाद? उसके बाद हम लोग के टाइगर दादा जयराम महतो है ना, बस उन्हें के आंदोलन के आगे ही हम लोग बढ़ेंगे, उन्हें के सोच विचारों से ही आगे बढ़ेंगे। उन्हीं के माध्यम से कोच कीजिएगा आगे ना रणनीति को? हाँ, रणनीति को हम लोग उन्हीं के माध्यम से ही आगे बढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं कि कितने भी यहाँ के ग्रामीण लोग जो है पीड़ित है, सुशील प्रबंधक 680 एकड़ जमीन को अधिग्रहण किए हैं फिर भी मुआवजा ना विस्थापन जो भी नीति है कुछ नहीं दिया, ना बिजली दिया, ना पानी दिया है, ना रुपया पैसा कुछ नहीं दिया है, झेल रहे हैं इस समस्या को। आप थोड़ा सा आप संथाली भाषा बोल सकते हैं? हाँ, संथाली भाषा जानते हैं, जैसे तेहन अपोठे निंका, मतलब ये होयुकान गलत नीति होयुकान नहीं जीएम अबवा जमीन 680 एकड़ बिना अधिग्रहण करते कोयला उडू किता और अखरिंग दे।
कहीं ना कहीं अबो मतलब एड़े बने तो अबो तो एड़े अचो रहा बनू तबना अगर सीसीएल अधिग्रहण करते अधिग्रहण है और कोयला उड़ू अपना कर और मौजा एमा अपन चाहिए विस्थापित और कमी और मौजा एमा अपन चाहिए और कोयला खदान समतलीकरण मतलब बराबर चाहिए अगर ओना बाय बराबरी दाड़े कना बेनखा अपन चाहिए जगह और ओंडे बन ओड़ा करते भी पानी व्यवस्था हो एमा अपन चाहिए अब तो कहीं ना कहीं जागरूक हो रही जागरूक अपन अब अधिकार बन दाड़े अगर बाबरूप बेनखा अब अब अधिकार बवन तपन दाड़े ठीक है आपका विचार अच्छा रहा इसलिए दिल से जोहार करते हैं जी वो सब भी सुविधाएं नौकरी हो गया मुआवजा हो गया मुआवजा देना चाहिए नौकरी भी देना अभी चाहिए। मिला है मुआवजा नहीं मिला है मुआवजा मुआवजा तो अभी नहीं मिला है बिना अधिग्रहण किए हुए 680 एकड़ में कोयला निकाल रहे थे वो वाला मुआवजा नहीं मिला है नौकरी भी नहीं मिला है तो अभी क्या मांग है आप लोगों से सीसीएल प्रबंधक से हम लोग का मांग है सीसीएल प्रबंधक से कि नौकरी दिया जाए और मुआवजा भी दिया जाए और जहां खदान हुआ है वहां समतलीकरण कर दिया जाए ताकि खेती गृहस्थी कर सके अगर सीसीएल आपकी बातों को नहीं मानेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा आगे अगर सीसीएल हम लोग का बातों को नहीं मानती है तो फिर धरना प्रदर्शन आगे बढ़ाया जाएगा अच्छा। जिला में इसके बाद रांची में अगर सीसीएल आपका नहीं माने नहीं बात मानता है तो आप इसे आप अभी आपका रांची जाइएगा रांची न जाए फिर कहाँ जाइएगा उसके बाद हम लोग के टाइगर दादा जयराम महतो है ना अच्छा, हाँ। बस उन्हें के आंदोलन के आगे ही हम लोग बढ़ेंगे उन्हें के सोच विचारों से ही आगे बढ़ेंगे अच्छा, उन्हें के माध्यम से कोच कीजिएगा आगे ना रणनीति को हाँ रणनीति को हम लोग उन्हीं के माध्यम से ही आगे बढ़ाएंगे तो देख सकते हैं कि कितने भी यहाँ के ग्रामीण लोग जो है पीड़ित है सीसीएल प्रबंधक 680 एकड़ जमीन को अधिग्रहण किए फिर भी मुआवजा ना विस्थापन जो भी नीति है कुछ नहीं दिया ना बिजली दिया ना पानी दिया है ना रुपया पैसा कुछ नहीं दिया है झेल रहे हैं इस समस्या को आप थोड़ा सा आप संथाली भाषा बोल सकते हैं हाँ संथाली भाषा जानते हैं जैसे तेहन अपोठे निंका मतलब यह होयुक कान गलत नीति होयुक कान नए जीएम अबवा जमीन 680 एकड़ बिना अधिग्रहण करते कोयला उड़ो किता और खरीद दे कहीं ना कहीं अबो मतलब एड़े बने तो अबो तो एड़े अचोरे आवानु तब ना अगर सीसीएल अधिग्रहण करते अधिग्रहण है और कोयला उड़ू किता अपना कर और मौजा एमा अपन चाहिए विस्थापित और कमी और मौजा एमा अपन चाहिए और कोयला खदान समतलीकरण मतलब बराबर चाहिए अगर ओना बाय बराबरी दाड़े कना बेनखा एमा अपन चाहिए जगह और ओंडे बन ओड़ा करते भी पानी व्यवस्था हो एमा अपन चाहिए अब तो कहीं ना कहीं जागरूक नहीं जागरूक अपन अब अधिकार बन दाड़े अगर बाबरूप मेनखा अब अब अधिकार बवन तपन दाड़े बस ठीक है आपका विचार अच्छा रहा इसलिए दिल से जोहार करते हैं जी अगर सीसीएल आपकी बातों को नहीं मानेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा आगे अगर सीसीएल हम लोग का बातों को नहीं मानती है तो फिर धरना प्रदर्शन आगे बढ़ाया जाएगा अच्छा। जिला में इसके बाद रांची में अगर सीसीएल आपका नहीं माने नहीं बात मानता है तो आप इसे आप अभी आपका रांची जाइएगा रांची न जाए फिर कहाँ जाइएगा उसके बाद हम लोग के टाइगर दादा जयराम महतो है ना अच्छा, हाँ। बस उन्हें के आंदोलन के आगे ही हम लोग बढ़ेंगे उन्हें के सोच विचारों से ही आगे बढ़ेंगे अच्छा, उन्हें के माध्यम से कोच कीजिएगा आगे ना रणनीति को हाँ रणनीति को हम लोग उन्हें के माध्यम से ही आगे बढ़ाएंगे अभी देना अभी तो मिला है मुआवजा नहीं मिला है मुआवजा मुआवजा तो अभी नहीं मिला है बिना अधिग्रहण किए हुए 680 एकड़ में
कोयला निकाल रहे थे, वो वाला मुआवजा नहीं मिला है, नौकरी भी नहीं मिला है। तो अभी क्या